हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी, मुझे लग रहा है, अपने घर में दिवाली की सफाइयां ही कर रहे होंगे आजकल, बिकॉज दिवाली संडे की है और इसको 3 से 4 दिन रह गए हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, अपने किचन की डीप क्लीनिंग, की मैं किस ढंग से अपने किचन को क्लीन करने वाली हूँ। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि मैंने किस किस ढंग से अपने किचन को क्लीन किया है। वैसे तो फ्रेंड्स, हमारी सफाइयाँ चलती ही रहती है, पर दिवाली के पास हम ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं। तो जो अभी वाला मैंने आपको कंपार्टमेंट बताया, वो मेरे बिल्कुल सिंक के नीचे है और वहाँ पे ना पानी जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सीलन आ गई है। तो वहाँ से हमने सारा सामान उठाया और ऊपर वाले अलमीरा में शिफ्ट कर दिया। ज़्यादातर ये आपका बाथरूम से रिलेटेड था, सो यहाँ पर बिछाई एक शीट प्लास्टिक की और फिनाइल की गोलियाँ रखी, और जो बहुत रेगुलर बेसिस पे चीज़ें चाहिए हैं वो ही यहाँ रखी। और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और ये वो वाला एरिया है किचन का जहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको मिनी स्टोर ऑफ द किचन, जहाँ पे हम अनवांटेड चीज़ों को मोस्टली रखते हैं जो बहुत ही कम यूज़ होती है। तो लाइक कभी आपकी कोई बॉटल्स हो, कोई बैग्स हो, तो हम रख देते हैं बिना उसके मैनेजमेंट के, तो उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ वो अब सारी चीज़ें हम बैग में डाल रहे हैं जो अब हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, स्पेशली ये बॉटल्स। तो अभी भी देख सकते हैं बाहर बहुत सामान है, सो इस वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था। तो अब जैसे विंटर स्टार्ट हो गई है तो अब मटके का बिल्कुल यूज़ नहीं है, तो उसको भी हम अब नीचे रख रहे हैं। स्लैब पर रखा हुआ था तो वहाँ से उठा के रख दिया ताकि वहाँ का भी स्पेस बच जाए, मिल जाए और ज़्यादा। तो अब इसको अगले साल निकालेंगे समर्स पे, सो इसे इस तरह से बाकी चीज़ों के साथ रख दिया है। तो ये वाला एरिया देख सकते हैं आप कितने अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। और अब बाकी की सफाई होगी, जो डस्टिंग है वो होगी मेरे इस क्लोथ से और इस स्क्रबर से। सो आज मैंने अपने घर में करवाया था पेस्ट कंट्रोल, सो 3 घंटे तक किचन यूज़ नहीं कर सकती थी, तो ये मेरी सफाई थोड़ी देर के बाद हो रही है। सो आप देख सकते हैं स्लैब पे स्प्रे हुआ था, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ 2-2 बारी। सबसे पहले स्क्रबर से अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद मैंने उस पर सारे टॉवल से अच्छे से उसको क्लीन किया। सो गैस के नीचे भी हमारी बहुत सी चीज़ें चली जाती हैं, लिक्विड्स, स्पेशली जब हम दालें बनाते हैं उसका लिक्विड या कभी मिल्क बॉयल हो जाता है। सो ये वाला एरिया भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हल्का सा पानी फेंका, कई बार चीज़ें हार्ड हो जाती हैं। उसके बाद मैंने ये पूरा का पूरा एरिया क्लीन किया, तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला काउंटर टोटली बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब इसका मैं दूसरा पोर्शन क्लीन कर रही हूँ, तो यहाँ देख सकते हो आप ओवरऑल मेरा स्लैब बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरी स्लैब में बिल्कुल भी सामान नहीं है, वो मैंने बाहर निकाल दिया था सारा का सारा। और अब इसकी टाइल्स की बारी आती है, तो टाइल्स में भी बहुत ज़्यादा ऑयल्स के आपके स्टेन लगे होते हैं जब कुक करते हो, तो उसका स्प्रे चारों तरफ हो जाता है सम टाइम। तो स्क्रबर से पहले उन स्टेन्स को रिमूव किया, फिर टॉवल से उनको और अच्छे से मैंने क्लीन किया। और ये है आपकी चिमनी के पास का एरिया, जो इस तरह से बहुत ज़्यादा तेल के धब्बे जहाँ लग चुके हैं, सो ये काफ़ी हार्श होते हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे यूज़ ये स्टील वाला स्क्रबर। सो आप देख सकते हो स्टील वाले स्क्रबर से ही ये वाले स्टेन्स कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। सो इनको थोड़ा साफ करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगी, और यहाँ से नीचे जो इसकी जो अलमीरा होती हैं, जो उनके डोर्स हैं, उनके नीचे भी ये स्टेन्स थे, तो उनको भी क्लीन कर दिया। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चमक आ गई, कितना साफ सुथरा हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक आपका जो स्टील वाला स्क्रबर मैंने यूज़ किया है। तो दूसरी वाली साइड को भी मैंने इसी ढंग से क्लीन किया और वो भी इसी तरह से आपका चमक गया। और अब आ जाते हैं बर्तन वाली साइड, सिंक वाली साइड। तो ये वाला ये तो रोज़ ही साफ़ होता है, बट अब मैं क्लीनिंग कर ही रही थी किचन की, तो इसकी भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है आपकी टैप के आसपास में, क्योंकि वहाँ हाथ कम जाता है। सो वो वाला एरिए में ज़्यादा आपका जो गंध है वहाँ फंस जाता है, तो वो वाला एरिया क्लीन हो रहा है अच्छे से। और ये सामने बिल्कुल सिंक के, क्योंकि जब आप अपने बर्तन धोते हो तो आपके बर्तन के भी धब्बे वहाँ पड़ जाते हैं, तो वो वाला एरिया मैंने क्लीन किया, उस पर पानी मारा और वाइपर से वो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैं जितनी भी क्लीनिंग कर रही हूँ अपने किचन के, घर में पड़ी हुई बेसिक सी चीज़ों से ही क्लीन हो रहा है सारा का सारा किचन। आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है किचन को साफ़ करने के लिए, किचन की साफ़ सफाई के लिए। तो जो सामान मैं बाहर लेके आई थी अपने स्लैब का, अब वो सारा का सारा मैं अंदर लेके जाऊँगी
यानी मैंने अच्छे से अपना स्लैब क्लीन कर दिया है 2 टाइम वॉश करके। सो यहाँ देख सकते हैं मेरा टेबल, डाइनिंग टेबल कैसे भरा पड़ा है हर चीज़ से, और ये बर्तन की टोकरी। तो ये मैंने सारा का सारा बहुत अच्छे से किचन में सजा दिया। सो आप देख सकते हैं मेरे स्लैब में भी, इस जो किचन का स्लैब है वो काफ़ी अच्छे से साफ होकर रेडी हो गया है। अब ये जो आज अभी क्लीनिंग मैं बता रही हूँ मेरी नेक्स्ट डे की है, बिकॉज़ काफ़ी देर हो गया था पिछले कल। सो नेक्स्ट डे मैंने किचन की क्लीनिंग कंटिन्यू की। अब ये जितने भी आपके अंदर की चीज़ें जहाँ आपने रखी होती हैं खाने पीने की, मैं वो वाले एरिया ज़्यादा क्लीन करूँगी। सो ये जहाँ आपने आटा और बाकी खाने पीने की चीज़ें रखती हैं तो वो वाला मैं अब क्लीन करने वाली हूँ। सो यहाँ जितना भी सामान था मैंने निकाल दिया। तो कई बार आटा निकालते निकालते आपके आटा थोड़ा फैल जाता है, सो वहाँ पे वो चीज़ें गिरी पड़ी थी, तो उसको मैंने झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसको साफ़ करने के बाद मैंने उस पर वहाँ पर पोछा मार दिया। तो अच्छे से साफ़ सफ़ाई करने के बाद बाकी सारी चीज़ें जो मैंने निकाली थी बाहर उनको मैंने उनकी जगह में वापस अच्छे से रख दिया। तो ये वाला काउंटर भी मेरा अच्छे से सेट हो गया। अब जो मेरे किचन का जो डोर है, विंडो वाली साइड है, मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। हमारी 18th फ्लोर है, फिर भी यहाँ काफ़ी डस्ट आ जाती है। सो अब टाइम है इन विंडोज़ को क्लीन करने का। तो कॉलिन से जो आपके मिरर्स हैं, जो आपके शीशे होते हैं, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छी शाइन भी आ जाती है। सो इसका स्प्रे कर दिया मैंने, और उस टॉवल से जो डस्टिंग टॉवल है मेरा, उससे मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि टॉवल है ना बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ईजिली आपके ड्राई भी हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है जो डस्ट है उसको बहुत ईजिली ये कैच करते हैं अच्छे से, और कोई स्टेन भी नहीं छोड़ते। कई बार होता है ना आप चीज़ें साफ़ करो उसके धब्बे से रह जाते हैं, पर ये वाले टॉवल जो होते हैं बहुत नीटनेस देते हैं जब हम क्लीन करते हैं किसी भी चीज़ को। सो आप देख सकते हैं मैंने अपने जो किचन की विंडो हैं उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। ये डोर है मेरी किचन वाली बालकनी का, सो यहाँ काफ़ी डस्ट है, सो उसको मैं ऊपर से नीचे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस टॉवल में कितनी ज़्यादा डस्ट आ गई है। सो बीच बीच में मैं इसको अच्छे से धो रही थी और फिर से क्लीन कर रही थी। सो यहाँ आप पूरी की पूरी देख सकते हैं कि मतलब सबसे अच्छी बात है जो ये कपड़ा है ये आपकी डस्ट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है और बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देता है आपके सारे एरियाज़ को। सो डोर वाले एरिया की अच्छे से डस्टिंग हो गई। अब आते हैं विंडो वाले एरिया में। सो यहाँ पर मैंने विंडो को ओपन किया और कॉलिन का स्प्रे किया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस डस्टर से इसको अच्छे से क्लीन किया। फिर जहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे वहाँ मैंने चेयर का यूज़ किया। तो ये काफ़ी हाइट पे है, तो चेयर का यूज़ करके मैंने जो उसके टॉप्स थे उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो आपके कॉर्नर्स तक धूल जाती है, तो इस तरह से मैं अच्छे से साफ़ करना चाहिए। अब यहाँ देखना मैंने फिर से इसे साफ़ किया है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है और डस्ट सारी हट गई है। और अब बात आती है चिमनी की, तो चिमनी के ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट जमी हुई है। तो मैं इसी क्लोथ से, डस्टिंग क्लोथ से इसे साफ़ करूँगी। तो जैसे मैंने बोला ये वाला क्लोथ जो है आपकी डस्ट को इसलिए ऑब्जर्व करता है, तो आप देख भी सकते हैं कितने अच्छे से इसने चिमनी को साफ़ कर दिया। तो चिमनी का जो अपर वाला ये वुड वाला पोर्शन है उसको भी क्लीन कर देंगे, उसमें भी डस्ट सा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आ गई। और ये वो वाला पोर्शन है किचन का जहाँ मसाले रखे जाते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है मसाले यूज़ करते करते आपके गिर भी जाते हैं,
सो उसको अच्छे से मैं अब क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर वो मैंने निकाल दी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं गंदगी फैली है। तो पहले मैंने स्क्रबर से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि आप यहाँ ऑयल वाली बॉटल्स भी रखते हो उनके भी यहाँ स्टेन पड़ जाते हैं, तो यहाँ स्क्रबर से मैंने वो वाला पोर्शन अच्छे से साफ़ कर दिया, इसके एजेस भी। तो क्योंकि ऑयल और धूल जब मिल जाती है साथ में तो एक दाग सा पड़ जाता है, तो स्क्रबर से वो चीज़ अच्छे से साफ़ हो गई। और हमने टाल मार दिया ताकि वो और भी अच्छे से साफ़ हो जाए चारों तरफ। और यहाँ देख सकते हैं ये वाला कैबिनेट बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो बाकी का सामान जो मैंने निकाला था मैंने वापस उसको अच्छे से असेंबल कर दिया इस वाले कैबिनेट पे, और ये वाला एरिया आपका बिल्कुल चकाचक हो गया है। तो यहाँ जो किचन की अलमीरा है उनको मैंने इस टॉवल से अच्छे से साफ़ कर दिया। जो आपकी ऊपर की अलमीराज रहती हैं किचन की, उनमें इतनी ज़्यादा डस्ट और गंदगी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ हाथ कम यूज़ होता है, सो इतने ज़्यादा मेहनत करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद ऊपर वाली अलमीरा साफ़ करने के बाद बात आती है नीचे वाली, जिनमें बहुत सारे ड्रॉर्स रहते हैं। सो ये वो एरिया है जो सिंक के नीचे का है, तो यहाँ काफ़ी धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि आप बर्तन धो रहे हो तो उसके स्टेन्स हो जाते हैं। इसी के नीचे मैं अपना गार्बेज रखती हूँ तो उसके स्टेन्स होते हैं, तो ये वाला एरिया ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो यहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये देख सकते हैं जो मेरी अलमीराज हैं उनके जो हैंडल्स नहीं हैं ये ऊपर से खुलता है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ हाथ लगते रहते हैं। तो इस तरह से टाल की हाथ हेल्प से ही मैं ये पूरा क्लीन कर रही हूँ। तो ये एक टाल ही बहुत सफिशिएंट है आपकी इन चीज़ों की डस्टिंग के लिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे भी आपके पानी के धब्बे या कुछ भी हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीनिंग हो गई है इन अलमीराज के हैंडल्स की। तो जो ये छोटा सा पोर्शन है यहाँ आप अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते, तो एक फिंगर में मैंने जस्ट टॉवल को रैप किया और फिर इसको आगे पीछे मैंने मूव किया, तो इस तरह से आपकी ये वाले पोर्शन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई। सो इसी तरह से जितनी भी अलमीरा थी नीचे वाली साइड की मैंने इसी तरह से उनको क्लीन किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी की सारी आपकी क्लीन हो गई, और इस तरह से जो आपकी अलमीराज थी ऊपर की और नीचे की वो अच्छे से साफ हो गई। और अब नेक्स्ट टर्न आती है इन स्विचेस की, तो स्विचेस का एरिया भी काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि हमारी फिंगर्स लगती रहती है, तो समटाइम हमारे हैंड अच्छे नहीं होते हैं या बच्चों के हाथ अच्छे नहीं होते हैं, गंदे हाथों से ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ दाग पड़ जाते हैं। तो यहीं मैंने टाल की हेल्प से इनको भी बिल्कुल चमका दिया। और एक और स्विच है प्लग वाला, सो वहाँ पर भी गंदा था तो उसको भी मैंने इसी टॉवल की हेल्प से क्लीन कर दिया। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो किचन की जो क्लीनिंग है ऑल इन ऑल सारी हो गई है सारे पोर्शंस की, और सिर्फ एक मैंने स्क्रबर यूज़ किया है और एक टॉवल यूज़ किया है। सो उससे पूरा का पूरा किचन आपका बहुत ही ज़्यादा चमक चुका है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी वे शेयर किए हैं किचन को क्लीन करने के, जिसमें कोई फैंसी चीज़ों का यूज़ नहीं हुआ है किचन को क्लीन करने के लिए। सो कोई बिना किसी कॉस्ट के आप किचन को इस ढंग से क्लीन कर सकते हैं। और ये थी मेरी किचन क्लीनिंग की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे कोई नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो के फ्रेंड्स, फॉलो फॉर मोर।